असला डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सरसाइज एट पॉइंट ट्राइगोनोमैट्री गिवन है सेक थी थर्टीन बाई कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज तो रेस्ट ऑफ द रैशोज जितने सारे हैं साइन कॉस टेन वगैरह वो हमें निकालने है. तो अभी गिवन है सेक थीटा थीटा इज सम एक्यूट एंगल ओके तो हम ट्राएंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं लेट इस कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगलर एट बी फॉर एग्जाम्पल बी रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, सी रख सकते हैं क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सो लेट इस कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी तो ट्राइंगल हम ड्रा करेंगे दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी दिस इज राइट एंगल बी इफ दिस इज राइट एंगल बी सो दिस इज हाई पॉट न्यूज अब एंगल थीटा किसको रखेंगे ए को देंगल थीटा तो एंगल थीटा एंगल ए का एडजस्टेंट साइड बेस होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है एंड द रिमेनिंग वन इज पर पेंडिक्यूलर तो सबसे पहले गिवन है

पॉट न्यूज हमारा क्या है एसी है एंड बेस हमारा क्या है इट्स ए बी इज थर्टीन बाई इक्वेट करेंगे तो ए सी कितना हुआ थर्टीन मैंने बोला था ऑलरेडी आपको कि हम थर्टीन के भी लिख सकते हैं और के इज सम इंटीजर सो ए सी इज थर्टीन यूनिट्स क्योंकि यूनिट है सेंटीमीटर यूनिट है मीटर जो गिवन नहीं है सो इट्स थर्टीन यूनिट्स और वी कैन राइट ऑनली थर्टीन एंड ए बी इज ट्वेल्व यूनिट्स सिंपली वी कैन से ए सी इज थर्टीन एंड ए बी इज ट्वेल्व ओके तो हमारे पास दो साइड्स है ए सी एंड ए बी वट अनोन इट्स बी सी जो हमें निकालना है तो हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी बाई पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा थर्ड साइड तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हाई पार्टनि स्क्र दैट एसी स्क्यर इज इक्वल स्क्स ऑफ अदर टू साइड जिसको हम पढ़ते ए बी स्क्वेयर प्लस बीसी स्क्वेयर बीसी स्क्वेयर ओके तो ए सी कितना है इट्स थर्टीन ए बी इज ट्वेल्थ स्क्वेयर एंड बी सी इज अनोन 13 स्क्र यू नो इट्स 169. 12 स्क्र इज 144 प्लस बीसी स्क्वेयर ओके वन 144 नाइन माइनस वन फोर्टी को ट्रांसपोज करो टू द लेफ्ट इज इक्वल टू बी सी आगे चलते हैं तो 169 में से 169 में से 144 निकालो, इट्स 25 फाइव वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर इज ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर और वी कैन राइट बी सी स्क्वेयर इज इक्वल ट्वेंटी फाइव विच गिवज एस बी सी इज इक्वल्ट प्लस माइनस रूट ट्वेंटी फाइव विच गिवज एस बी सी इज इक्वल्ट प्लस माइनस फाइव बिकॉज रूट ट्वेंटी फाइव इज फाइव रूट ट्वेंटी फाइव इज फाइव और हम कंसिडर क्या करते हैं पॉजिटिव सो बी सी इज इक्वल्ट फाइव यूनिट बिकॉज लेंग इज ऑलवेज पॉजिटिव तो हमारे पास कौन कौन सा साइड है अभी ए बी ए सी है ए बी के बोने और हमने निकाला BC. तो हमारे पास तीनों साइड है इट्स फाइव जब हमारे पास राइट ट्राइंगल के तीनों साइड होते हैं तो हम किसी भी राशो को निकाल सकते हैं यहां से दे फोर सबसे पहले साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाईपॉर्ट न्यूज इट्स वेरी इजी नाउ पर पेंडिक्यूलर क्यों नाईपाट न्यूज क्यों बेस केट इस परपेंडिक्यूलर हियर इट्स बी सी वट्स हाई पार्ट न्यूज ए सी हाउ मच इज पर पेंडिक्यूलर कितना है फाइव हाई पार्ट न्यूज कितना है थर्टीन सो इट्स फाइव बाय थर्टीन दैन कॉस इज बेस बाय हाई पार्ट न्यूज वट्ज बेस हियर बेस इज ए बी

हाउ मच इज बी सी इट्स फाइव ए बी इज ट्वेल्व सो इट्स फाइव बाई ट्वेल्व अब क्या बचा साइन कॉस टेन आ गया अब कॉट और क्वेश बच गया क्योंकि सेक ऑलरेडी गिवन है तो वह आप खुद से कर लेना ओके सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी ूट एंगल तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो अक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए इज इक्वल कॉस बी दैन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो सबसे पहले हम कंसिडर करते ट्राइंगल को लेट कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी अब राइट एंगल कहां पे होगा और बी एक्यूट है तो राइट एंगल तो डेफिनेटली ऑब्वियसली सी ही होगा राइट एंगल सी हमने एक ट्राइंगल कंसिडर की ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल कहां पे रखेंगे सी पे क्योंकि ए और बी गिवन है कि एक्यूट एंगल्स एंगल तो ट्राइंगल ड्रा करते हैं दिस इज योर triangle ABC. बी यहां पे आएगा और सी यहां पे, क्योंकि सी ही राइट right एंगल हो सकता है क्योंकि ए और बी जो है वो अक्यूट एंगल तो अब सी का अपोजिट साइड आपको पता है ये हाईपॉट है बेस और परपेंडिकुलर अभी डिसाइड नहीं होंगे क्योंकि हम पहले चेक करेंगे कि हम कब किस एंगल को कंसिडर करेंगे वो हमने ऑलरेडी आपको लेक्चर में इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है देखो गिवन क्या है सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स गिवन है कॉस इज इक्वल टू कॉस बी टू शो शो क्या करना है एंगल ए इज इक्वल एंगल बी ये हमें चाहिए एंगल ए इज इक्वल एंगल बी तो यहां पे हम सोल्यूशन नहीं लिखते प्रूफ है, लिखते हैं प्रूफ so, में लेट हमने किया ट्राइंगल एबीसी एक राइट ट्राइंगल है सी पे गिवन है ए और बी एक्यूट एंगल है कॉस ए कॉस बी के बराबर यह भी किवन है और शो करना एंगल इज इक्वल एंगल बी नाउ शुरू करते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी ट्रायंगल ए बी सी को हमने लिया राइट right एंगल कहां पे सी पे अब ध्यान रखना यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपने ध्यान रखना है कॉस एंगल चाहे ए हो या बी हो या सी हो या कुछ और भी हो कॉस हमेशा बेस बाय पा हाइपोटेन्यूज ही होता है कॉस किसके बराबर है बेस बाय अब ये बेस कौन है और हाईपाट न्यूज कौन है ये अब डिसाइड करना है विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए एंगल हमारे पास ए है और कॉस है बेस बाय हाई पार्ट न्यूज जब एंगल ए है ये वाला एंगल तो अब बेस को डिसाइड करना है हाईपाट न्यूज तो डिसाइडेड है बेस इज द एडजस्टेंट साइड सो दिस वन इज द बेस ओके और ये परपेंडिकुलर है इस केस में कब ये परपेंडिकुलर और कब ये बेस है जब एंगल ए है एक्यूट एंगल जब हमने एंगल ए को कंसिडर किया तो बेस है ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी इसका नाम फर्स्ट रखो अगेन कॉस बी कॉस तो हमेशा बेस बाय हाईपॉट न्यूज ही होगा लेकिन इस बार ध्यान रखना इस बार एंगल बी है तो जब एंगल बी है तो अब बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे एंगल बी का एडजेसेंट साइड बी सी है तो इस बार बेस ये बनेगा प्लीज रिमेम्बर कि अगर एंगल ए है तो बेस ये है अगर एंगल बी है तो ये बेस है इस बार हम इसको कट करेंगे यहां पे और ये परपेंडिकुलर है इसको कट करो तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं जब एंगल्स चेंज हो जाते हैं तो कॉस बी इज बेस बाय हाई बेस इज बी सी नॉट ए बी नॉट ए सी सॉरी सो कॉस इज बेस बेस इज बी सी बाई हाई ए बी दिस इज सेकेंड ओके it's given that it's given that what's given given is given is cause a is equal to cause b ये मैं नहीं बता रहा हूं ये गिवन है कॉस इज इक्वल कॉस बी अब कॉस ए किसके बराबर है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में कॉस ए किसके बराबर है ए सी बाई ए बी और कॉस बी किसके बराबर है बीसी बाई ए बी अब आपको पता है इक्वालिटी जब है डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल आउट वट व्हाट्स रिमाइनिंग ए सी इज इक्वल टू बी हमें ये नहीं निकालना ए सी इज इक्वल बी सी हमें निकालना है एंगल इज इक्वल टू एंगल बी अब हम आपको यहां पे कुछ समझाते हैं अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अब देखो ये ए है ये सी है ये बी है जो ट्रायंगल के बने हमने निकालना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और हमने निकाला ए सी इज इक्वल टू बी सी मतलब दिस ए सी इज इक्वल टू बी सी ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल होते हैं इस ट्रायंगल को हम आइसॉसलिस ट्रायंगल बोलते हैं तो हमने यहां पे अभी प्रूव किया ए सी इज इक्वल बी सी और हमें प्रूव करना एंगल ए इज इक्वल एंगल बी हम इसी प्रॉपर्टी से ए सी और बी सी बराबर है तो इस ट्राइंगल को हम आइसोसले ट्राइंगल कहेंगे और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल फिर एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होंगे दियर फोर एंगल ए इज इक्वल एंगल बी क्यों बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आईसॉसलेस ट्राइंगल ओके बाई द प्रॉपर्टी ऑफ आइस सॉसलेस ट्राइंगल हेनस प्रूव तो यहां पर ध्यान रहे कि हमने प्रूव करना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल भी और हमने प्रूव कर दिया ए सी इज इक्वल्ट बी सी इसी से हमारा रिजल्ट है एसी अगर बीसी के बराबर है तो ये ट्राएंगल आईसोसलेस है और जो आईसोसलेस ट्राइंगल होती है उसमें दो साइड दो एंगल्स इक्वल होते हैं है, तो एंगल ए इज इक्वल एंगल बी सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नो क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत आसान क्वेश्चन है जितने सारे क्वेश्चन हमने अभी तक किए वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन इज इफ कॉट थीटा

a ए ABC right राइट at जहां कहीं भी रखो बी पे रखते तो ट्राइंगल लेते हैं दिस इज ट्राइंगल ए बी सी इस बार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ए कहां रखो बी कहां रखो राइट right ट्राइंगल किसको रखो राइट right एंगल किसको रखना है क्योंकि इस बार थीटा है जो मर्जी आप रख सकते हो ये एंगल बी है एंगल बी का अपोजिट साइड हाई होता है ये एंगल थीटा है तो इस एंगल का एडजेसेंट साइड बेस है और इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है ओके सो वट गिवन गिवन इज क्वार थीटा Is equal to 7 by 8. What is cot? Cot is the reciprocal of 10. Ten is perpendicular by base. Ten is perpendicular by base. Therefore, cot is base by perpendicular. Base by perpendicular is equal to 7 by 8. Now what's base here? What's base? Base is AB perpendicular is B C. ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल सेवन डिवाइडेड बाय एट इक्वेट करने के बाद आपको मिलेगा ए बी इज इक्वल सेवन यूनिट्स एंड बी सी इज इक्वल एट यूनिट्स ओके okay. अब ये सेवन है और ये एट है अब हमें तीसरा साइड चाहिए ए सी बाई थ्योरम निकालेंगे इन ट्रगल एबीसी राइट एंगल डाट बी बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम इज हाई पॉट न्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू Base square plus perpendicular square. Hypotenuse is unknown. Okay. Base is seven and perpendicular is eight square. Now AC square

इज ए सी इज इक्वल्ट ए सी स्क्र इज वन थर्टीन सो ए सी इज इक्वल्ट प्लस माइनस वन रूट ऑफ वन हंड्रेड एंड थर्टीन सो हम रूट ऑफ वन हंड्रेड थर्टीन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्यासी इज इक्वल्ट प्लस स्क्र रूट ऑफ वन हंड्रेड थर्टीन यूनिट्स क्योंकि हम नेगेटिव साइन को कंसिडर लेंग्थ में नहीं करते हैं तो हमारे पास तीनों साइड से ए बी सेवन बी सी एट एंड ए सी इज रूट वन थर्टीन अब हमारे पास पहला पार्ट है इवॉल्वेट करना है वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन प्लस कोस् थीटा वन माइनस कॉस् थीटा सो दिस इज योअर फर्स्ट पार्ट सेकंड ईजी है सेकेंड आप खुद से ट्राई कर सकते हो फर्स्ट पार्ट इज वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा आप एक आइडेंटिटी याद रखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a plus b into a minus b is a square minus b square. This is these are same terms here. A मतलब one plus b into a minus b. नीचे भी यही है denominator में one plus cos theta one minus cos theta. Same है लेकिन sign is different है. एक में plus है एक में minus है एक में plus है एक में minus है. So it's a plus b into a minus b यही identity है. So it gives us a square मतलब one square minus b square मतलब sine square. डिनिनेटर में भी ऐसे ही वन स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्र यहां भी लिख सकते होल स्क्र पे वन माइनस व्हाट इज साइन साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाई पार्ट न्यूज थीटा कॉस बेस बाय हाई साथ में स्क्र है वन माइनस परपेंडिकूलर इज हाउ मच एट बाय रूट वन थर्टीन इसके ऊपर स्क्वायर ले लो डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वन माइनस बेस बाय हाइपोटेन्यूज बेस इज सेवन बाय हाइपोटेन्यूज इज दिस okay which gives us 1 minus 8 square is 64 and square root of 113 square and root cancel so it's 113 divided by 1 minus 7 square is 49 divided by square root is this is 113 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वन थर्टीन वन जार वन थर्टीन वन जार वन थर्टीन माइनस सिक्सटी फोर डिवाइड बाई वन थर्टीन होल डिवाइडेड बाई वन थर्टीन माइनस फोर्टी नाइन डिवाइड बाई वन थर्टीन ये तो कैंसिल हो जाएंगे सो इट गिव्स अस वन थर्टीन माइनस सिक्सटी फोर इज फोर्टी नाइन और वन थर्टीन माइनस फोर्टी नाइन इज सिक्सटी फोर सो दिस इज द आंसर अब जो सेकेंड पार्ट बचा वो आप खुद ट्राई कर सकते हो सो दिस इज ऑल फॉर टूडे एंड दिस ये जो हमने पढ़ा ये क्वेश्चन नंबर सेवन था फिर दूसरे लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ेंगे थैंक यू सो मच